लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार हिंदुस्तान के बने तेजस क्या भारतीय वायुसेना की जरूरतों के मुताबिक हैं? क्या वो फिट भी हैं? तेजस एक ऐसा विमान है जो हमें बहुत ज्यादा फायदा नहीं पहुंचा सकता। मिग 21 विमानों की तर्ज पर बनाए जाने वाले तेजस की जरूरत आज से 15 साल 20 साल पहले के हिंदुस्तान को थी, आज के हिंदुस्तान को शायद नहीं है। लेकिन एक सच ये भी है कि तेजस दुनिया के दूसरे सिंगल इंजन फाइटर प्लेन से ताकत और प्रदर्शन के मामले में पीछे है। तेजस की एंड्यूरेंस या यूं कहें कि फ्लाइंग टाइम तकरीबन 1 घंटा है, जबकि दूसरे सिंगल इंजन विमानों की एंड्यूरेंस यानी फ्लाइंग टाइम 3 से 3.5 घंटे की बताई जाती है। साथ ही तेजस का फ्लाइंग रेडियस भी 350 से 400 किलोमीटर है, यानी तेजस के जरिए डीप पेनिट्रेशन बहुत मुश्किल। बात करते हैं देश के सुरक्षा चक्र से आज के जो मौजूदा हालात जुड़े हुए हैं उसकी। भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन और उसकी क्षमता लगातार घटते चली जा रही है और अब उसे किसी तरह से संभालने की कोशिश में भारतीय वायुसेना ने तय किया है कि वो तेजस खरीदने जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार हिंदुस्तान के बने तेजस क्या भारतीय वायुसेना की जरूरतों के मुताबिक हैं? क्या वो फिट भी हैं? क्योंकि पाकिस्तान और चीन की दोहरी चुनौती के सामने तेजस एक ऐसा विमान है जो हमें बहुत ज्यादा फायदा नहीं पहुंचा सकता, वो हमारी वायुसेना की रीढ़ की हड्डी नहीं बन सकता। मिग 21 विमानों की तर्ज पर बनाए जाने वाले तेजस की जरूरत आज से 15 साल 20 साल पहले के हिंदुस्तान को थी, आज के हिंदुस्तान को शायद नहीं है। इसके बावजूद आज मजबूरी है भारतीय वायुसेना की कि उसे तेजस खरीदना ही पड़ रहा है। 75,000 करोड़ की डील, 123 तेजस विमान मिलेंगे। ये उस डील का हिस्सा भर है जिसे एयरफोर्स अपनी घटती स्क्वाड्रन क्षमता को पूरा करने के लिए अंजाम देने जा रही है। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक एयरफोर्स ने 324 तेजस लड़ाकू विमान खरीदने का फैसला किया है, जिसकी पहली खेप में 123 विमान मिलेंगे और इनकी कीमत होगी 75,000 करोड़ रुपए। दरअसल वायुसेना की इस रजामंदी के पीछे एक बड़ी वजह राफेल की महंगी डील भी हो सकती है। भारत ने 59,000 करोड़ में 36 राफेल विमानों का सौदा किया है, जिसके चलते वायुसेना के बजट का एक बड़ा हिस्सा राफेल पर ही खर्च हो जाएगा। तेजस देश में विकसित किया गया है, इसकी लागत भी कम पड़ेगी। सब सच है, लेकिन एक सच ये भी है कि तेजस दुनिया के दूसरे सिंगल इंजन फाइटर प्लेन से ताकत और प्रदर्शन के मामले में पीछे है। तेजस की एंड्यूरेंस या यूं कहें कि फ्लाइंग टाइम तकरीबन 1 घंटा है, जबकि दूसरे सिंगल इंजन विमानों की एंड्यूरेंस यानी फ्लाइंग टाइम 3 से 3.5 घंटे की बताई जाती है। साथ ही तेजस का फ्लाइंग रेडियस भी 350 से 400 किलोमीटर है, यानी तेजस के जरिए डीप पेनिट्रेशन बहुत मुश्किल है। दरअसल तेजस को चुनने के पीछे एक बड़ी वजह अब तक सिंगल इंजन विमानों पर तय फैसला ना हो पाना भी है। ग्रिपन और F-16 पर अब तक कमेटियां रिपोर्ट ही दे रही हैं और एयरफोर्स की सामरिक चुनौतियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। शायद इसी मजबूरी के चलते वायुसेना ने तेजस के लिए हामी भर दी है।